कि यहाँ पे एक बार गाय खरीदो चाहे ना खरीदो, एक बार आओ जी जी, और अपने फार्म से गाय खरीदेगा ना जी, और वैसी गाय, और वैसी गाय अगर आप बाहर से देखोगे जी, अपने रेट का और उनके रेट का आपको पता लग जाएगा हम किस रेट में देते हैं और दूसरा बंदा किस रेट पे। मान लो 20-25 हजार के लोग मेरे को फोन करते हैं जी जी, कि भाई साहब हमें 20,000 वाली गाय दे दो, 25 वाली गाय दिला दो जी, भाड़ा तो आपको उतना ही लगना है जी जी जी, चाहे आप लाख वाली लो चाहे लो 20 वाली जी जी, 20 वाली लोगे भाई साहब वो दूध दे के किलो, 1 किलो 2 किलो, उसमें व्यापारी माड़ा हो जाता जी, उसमें नुकसान किसको बोलते जी, हमें उसने लूट लिया जी जी। तो तुम पहले देख तो लो, अभी तुम 20,000 लगा रहे हो, भाड़ा तुम्हें उतना ही पड़ रहा है जी, तो 20 वाली जो 20 में दे रहा वो पीछे से कितने की लेके आया होगा, समझदार को इशारा ही काफी होता है जी। किसी का जिसने किसी कभी बकरी नहीं रखी है ना जी जी, तो उसको तो कुछ पता नहीं लगेगा जी, चाहे वो साहिवाल को वो राठी बोल देगा जी जी जी, आप साहिवाल बोल रहे तो राठी है जी जी जी, रोस है जी उसके साथ। तो देखो जी वो बोलते ना काला अक्षर भैंस बराबर जी जी, वो सिस्टम। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। और जो भाई YouTube देख रहे हैं संदीप भाई, आपको भी राम राम, और उनको दिल से धन्यवाद और राम राम। धन्यवाद जी। तो भाई साहब अपना शुभ नाम और प्रॉपर यहाँ का एड्रेस शेयर करें जी। मेरा नाम जीतू चौहान है जी जी, जिला श्री गंगानगर है और स्टेट राजस्थान है जी, और गंगानगर से कर्णपुर रोड पे गांव अपना 15 जेड है जी, मात्र 6 किलोमीटर, मात्र 6 किलोमीटर है। हाँ जी, मेन सिटी श्री गंगानगर जिले के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से। बिल्कुल, बालाजी का मंदिर आता है जी, बहुत बड़ा जी जी, मेन रोड पे। तो आज की वीडियो में भाई साहब कितनी गायें सेल के लिए अवेलेबल दिखा रहे हो? गाय तो संदीप भाई 10 थी जी, लेकिन बची 4 ही है। बची 4 है, 6 सेल होगी जी। 6 सेल होगी। हाँ जी, 6 सेल होगी। शाम का समय है, शाम का समय है जी, शाम का समय है, ऐसे लग रहा है कि जैसे सुबह के 8 या 9 बजे हुए हैं। 9 बजे हुए हैं। पर बाहर का जो वातावरण है दोस्तों, देख सकते हैं आप भाइयों के सामने, इतना कोहरा और धुंध छाई हुई है। लगभग गंगानगर में आज लगभग हो चुके हैं 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन हो गए जी, सूर्य सूर्य देवता जी तो क्या काम पे छुप गए हैं जी जी, दर्शन भी नहीं हुए। तो भाई साहब अपने मोबाइल में अभी का टाइम दिखाना जी। टाइम दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी का आपको टाइम और डेट व्यूअर्स के सामने कवर करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं 3:56 हो चुकी है 18 जनवरी, और गुरुवार को ये वीडियो शाम के समय बनाई जा रही है। तो कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करें भाई साहब। कॉन्टेक्ट नंबर मेरा है जी 92563 जी 70305। तो ये नंबर व्यूअर्स आपको नीचे स्क्रीन पर मेंशन होंगे। तो आज की वीडियो में 4 गाय हैं। हाँ जी, जिसके अंदर 2 संदीप भाई ब्याही हुई है जी, और 2 प्रेग्नेंट। 2 ब्याही हुई है और 2 प्रेग्नेंट है, एक बछड़ी वाली और एक बछड़े वाली। अच्छा जी। हाँ जी, तो इन सभी गायों की डिटेल शेयर करते हैं जी। हाँ जी, जो भी भाई अपने वीडियो देख रहे हैं। हाँ जी, तो प्रॉपर भाई साहब से आशा करते हैं कि रियल डिटेल बताएंगे। जैसे किसान मित्र ऑनलाइन परचेज करते हैं तो उनको ऐसा विश्वास होना चाहिए कि जैसे कोई अपने निजी बंदे से गाय ले रहे हैं। भाई साहब संदीप भाई, अभी 6 गाय बिकी है ना जी जी, तो किसान भाई ने ली है जी जी, और 3 तो ऑनलाइन ही ली है, और 3 भाई आए थे उन्होंने ली है जी जी, ठीक है, और विश्वास के साथ ही अपने काम कर रहे हैं जी। आज का कोई पहली बार तो कर नहीं रहे जी जी, लगभग हमारे तो पीढ़ियों का काम है ये जी जी, और मेरे को भी लगभग कम से कम 4 से 5 साल हो गए इस धंधे के अंदर जी जी, और जितनी भी गाय गई है अपने जो चीज बोलते हैं जी जी, वही चीज देते हैं जी। ये नहीं है जी पहले वीडियो में लंबी लंबी बातें फेंकेंगे जी, और बाद में जब अगले का फोन आता है या ग्राहक आता है उसको अटेंड नहीं करते जी जी, दूध चाहे 2 लीटर कम बोल देंगे जी जी, लेकिन जो चीज की गारंटी लेंगे, गारंटी यही रहती है जी, गाय मारती ना हो जी। जैसे भी आप दे सकते हो, ये ब्याही हुई गाय है। हाँ जी, बछड़ा इसके नीचे है जी, बच्चा पास में नहीं है, कोई पैर बांधे नहीं, बंदा नीचे हाथ फेर रहा है। तो दोस्तों जो ब्याही हुई गायें हैं उनके बच्चे सब अंदर है, ग्रेज में बंधे हुए हैं, बाहर नहीं निकाले जी जी, क्योंकि सर्दी का समय है, ताजी गायें ब्याही हुई है, तो इसलिए जी जी। तो सबसे पहले जीतू भाई साहब, जो अपने भाई साहब हाथ घुमा रहे हैं, इसी गाय की प्रॉपर डिटेल शेयर कर दो जी। संदीप भाई दूसरी बार ब्याही हुई है, दूसरे ब्यांत में, दूसरे ब्यांत में नीचे बछड़ा है, नीचे मेल का बछड़ा है। तो भाई साहब पीछे से इधर घुमाना जी गाय को, और चारों थनों में गैप देख लो जी, बहुत शानदार ठंडा स्वभाव है, और अभी मौके का जो इसके नीचे खीस है वो 12 लीटर है। स्वभाव ऐसे है कि भाई साहब धक्का मार रहे हैं फिर भी गायें कह रही है कि मेरे पर हाथ घुमाओ, हाथ फेरते रहो जी। हाँ जी, स्वभाव ऐसा है, कहने का तात्पर्य यही है। जो अडर क्वालिटी आपको करीब से दिखा देता हूँ, ये अडर क्वालिटी देख सकते हैं, चारों थनों के बीच में गैप और स्पेस देख सकते हैं, मुट्ठी वाले गुलाबी आंचल है। हाँ जी, और भाई साहब नस्ल की बात करें तो नस्ल साहिवाल है जी, साहिवाल है। हाँ जी, और ब्यांत जी, दूसरा ब्यांत है जी। अभी संदीप भाई 5 दिन की ब्याही हुई है, 5 दिन की, बिल्कुल 5 दिन की ब्याही हुई है जी। पीछे से एडर देखो थोड़ा,
ये एक तो मोरे का करती है, देखिए जी दूध निकला हुआ है, ये नहीं कि दूध रोका हुआ है। जी जी शाम का टाइम है, मिल्किंग होने वाली है, मिल्किंग होने वाली है। हाँ सुबह मिल्किंग निकली है, कोई भी भाई दो टाइम चार टाइम जी 12 लीटर इसका खीस के नीचे खीस है। अच्छा जी, और कोई भी भाई जैसे दो टाइम चार टाइम अपनी तसल्ली कर सकता है, यानी कि अभी ताजी ब्याई है 5 दिन की, तो अभी कच्चा दूध यानी कि 12 लीटर दोनों टाइम का निकाल रही है। निकाल रही है जी, 14 से प्लस दे देगी, 14 प्लस अपने 14 लीटर कह के देंगे। बाकी जैसी भाई साहब की आगे केयर है, कैसा गाय का रख रखाव होता है, कैसा उसका खान पिलान होता है, कैसी आगे उसके घर पर जाके गुल मिल जाती है, मेन मतलब ये आया इसको एक दिन की ब्याई को जी, वहां से मैं लेके आया था 4 लीटर खीस निकाल के जी, मेरे पास आई को इसको हो गए अभी मान के चलो 4 दिन है जी जी, 5 दिन हो गए। हाँ जी हाँ जी, तो इसने 4 दिन में मैंने इसका 4 लीटर दूध बढ़ा दिया है। जी जी, तो इसकी केयर हुई है तभी बढ़ाया ना। अभी मैं इसको एक टाइम दाना डाल के जी और शाम को आके इसके दूध निकालने बैठ जाऊंगा, दूध नहीं देगी। जी जी, एक बंदा स्पेशल हमारा इस गायों पे रहता है जी जी, चाहे हमारे पास 4 गाय है जी, चाहे हमारे पास 10 गाय है जी जी, लेकिन एक बंदा पूरे दिन इनकी केयर करेगा, सुबह शाम जी, दोपहर को हम दाना भी देते हैं, सुबह भी देते हैं और शाम को भी देते हैं जी जी, फिर दूध देती है जी, दूध और देती। कुछ जैसे ऑनलाइन जाती है, लंबे सफर तय करती है गायें, 500-600 किलोमीटर यानी कि अदर स्टेट में जाती है, तो लगभग 1 सप्ताह का समय लेती है गायें प्रॉपर। हाँ जी, अपने पास से आती है 100 किलोमीटर, 100 से 150 या हद 200 किलोमीटर से जी जी, अपने पास आके भी गाय ना मन नहीं लगाती। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। तो अभी जैसे मान लो ये गाय आई हुई है जी, ये कल आई है जी, अभी जी ये आज जाके थोड़ा मोटा चारा खाने लगी है जी जी, तो जाते कोई भी गाय बाल्टी दूध नहीं भरती जी जी, एक हफ्ता लग जाता है जी, केयर अच्छी करो हफ्ते के बाद गाय दूध पे आ जाती है जी जी जी। हाँ जी, प्राइस भाई साहब, प्राइस इसका लेने देने वाला है संदीप भाई 45,000 रूपए। 45,000 रूपए। हाँ जी, 45,000। हाँ जी, तो बाकी दोस्तों नीचे भाई साहब के स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं दोस्तों, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। 45,000 रुपये, 45,000 दोस्तों इसका प्राइस भाई साहब ने डिमांड किया है, और साहिवाल ब्रीड की भाई साहब ने ये बताई है। इससे आगे जी दूसरे नंबर पर भाई साहब एक और भाई, दूसरी बार बहने वाली है जी, प्रेग्नेंट है अभी, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, कितना समय बाकी है भाई साहब ये ले जाएगी संदीप भाई? अभी लगभग 1 हफ्ता। 1 हफ्ता? हाँ जी, यानी कि लम सम माने तो 7 से और हाईएस्ट माने तो 10 से अंदर लेगी, कहने का मतलब ये है। बाकी तो जैसे मान के चलो ऑर्डर तो इसने खोलना स्टार्ट कर दिया है जी जी, आप पास से दिखा सकते हो, ऑर्डर खुलना स्टार्ट हो चुका है जी, और अभी हफ्ता अपने बोल रहे हैं 10 दिन आप मान लो। तो दोस्तों ऑर्डर क्वालिटी खुली झोली की गायें हैं, यानी कि जैसे जैसे डिलीवरी टाइम इसका नजदीक आएगा तो पूरा ऑर्डर खुलता जाएगा, ऑर्डर खुलता रहेगा, मतलब ऑर्डर में अभी सलवटे बहुत बाकी है। हाँ जी जी जी, पूरी बारी बारी गाय है, ये नहीं छोटी है जी, फुल हाइट लेंथ की है जी, और राठी नस्ल के अंदर है, राठी ब्रीड है। हाँ जी, राठी नस्ल है। और ब्यांत इसका कौन सा है जी? सेकंड ब्यांत है जी, दूसरा ब्यांत है, दूसरा ब्यांत, दूसरे ब्यांत में 10 दिन के अंदर अंदर बच्चा देने वाली है। हाँ जी, दूध क्षमता की बात करें तो भाई साहब दूध क्षमता संदीप भाई दे देगी 14 किलो, 14 लीटर दूध निकाल देगी आराम से, आराम से। हाँ जी, तो 14 लीटर इसकी दूध क्षमता रहने वाली है दोस्तों। ब्रीड करेक्टर गाय के राठी नस्ल में काफी शानदार है, भारी गलकंबल नाभि भी देख सकते हैं, और इसकी भी अडर क्वालिटी काफी खूबसूरत है, चारों थनों के बीच में आप नस्ल में संदीप भाई हमेशा गोमाता आप लोगे ना जी, भारी ही मिलेगी आपको जी जी, और राठी की यही निशानी रहती है हमेशा जी, क्योंकि जो नाभि होती है ना जी, ये लंबी होती है, लंबी होती है। हाँ, साहिवाल की डब्लू शेप में होगी जी, और राठी की बिल्कुल लंबी सीधी होगी। अच्छा जी, जमीन की तरफ जी, तो दूध ये निकाल देगी 14 लीटर, 14 लीटर दे देगी जी जी, पहले ब्यांत में 12 लीटर दूध दिया हुआ है। अच्छा जी। हाँ जी, तो प्राइस भाई साहब इसका? प्राइस इसका भी लेने देने वाला 45,000 रूपए है जी, इसका भी 45,000 रूपए। हाँ जी, 45,000, 45,000 ये फिक्स प्राइस है कि मान सम्मान होगा जी? देखो भाई अपने को ज्यादा कोई 50-60 ऐसी गाय का 50-60 हजार रूपए लोग मांगते हैं जी, लेकिन अपने कम कीमत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी जो बेची है ना वो भी अपने इसी रेट में दी है जी, और इतने दूध की थी जी, ठीक है, अगले ने आके देखा जो बात बोली वही उसको बात मिली जी, तभी उसी रेट में दे दी। वो आता है कस्टमर, मान सम्मान करना पड़ता है जी, जी जी, ये तो है नहीं जी, कि 45 बोल दिया तो 45 की ही देंगे। अच्छा जी, आए का मान सम्मान करेंगे, अगर कोई भाई इधर आके विजिट करके खरीदता है तो, यानी कि लेने वाला भाई है उसका मान सम्मान किया जाएगा, मान सम्मान करेंगे। यहाँ पे एक बार गाय खरीदो चाहे ना खरीदो, एक बार आओ जी जी, और
अपने फार्म से गाय खरीदेगा ना जी, और वैसी गाय अगर आप बाहर से देखोगे जी, अपने रेट का और उनके रेट का आपको पता लग जाएगा हम किस रेट में देते हैं और दूसरा बंदा किस रेट में देता है। जी जी, गाय उनसे अपनी 21 ना हो जी तो गाय फ्री दे देंगे। तो ये भी अनुभव करे जी यहाँ पर आने के बाद में। बिल्कुल जी जी जी, आप ज्यादा नहीं, आप YouTube पे महादेव डेयरी फार्म सर्च मार के देख लो जी कि 21 ही गाय लगी हुई है और रेट दिन रात का फर्क है मेरी गायों का। अच्छा जी, हाँ जी, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो प्राइस रहता है रिजनेबल रहता है। लोग क्या है जी, जो किसान भाइयों को लोग लूटते हैं जी, क्योंकि इसलिए लूटते हैं कि देसी गोवंश की अभी जो मुहिम अपने प्रधानमंत्री जी ने भी स्टार्ट देसी गोवंश के प्रति जो प्रचार किया है नरेंद्र मोदी जी ने जी, तो इस मुहिम के बदले क्या हर किसान देसी के पीछे भाग रहा है जी जी, एचएफ और जर्सी को छोड़ के जी जी देसी के पीछे भाग रहा है। तो अब जो व्यापारी लोग है सभी को ये हो गया कि देसी इसकी डिमांड ज्यादा हो गई है जी, तो लोग क्या अभी जो 40 वाली है उसका 60 कर रहे हैं जी, जो 60 वाली है उसका 80 कर रहे हैं जी, लेकिन गाय जिस रेट में मिल रही है हमें भी पता है जी, हम भी बाहर किसानों से लेके आते हैं जी, सभी किसानों से लेके आता है जी, लेकिन रेट वाजिब दाम में दो कि जो किसान लेके जाए जी, दूध पीने के लिए लेके जाता है चाहे बेचने के लिए लेके दूध लेके जाता है जी जी, लेकिन उसको प्रॉफिट भी होना चाहिए ना जी, अगर हम उसको काट लेंगे जी तो वो कहाँ से आगे पैसा पूरा करेगा। तो मेरा कहना ये है भाई साहब, हाँ जी, जैसे कोई भी किसान मित्र अगर घर पर अपने गाय पालता है हाँ जी, तो एक सोचे तो अनुमान लगाए तो उसका पैसा भी पूरा नहीं होता, नहीं होता जी। तो मेन चीज है कि जो भी किसान भाई जो गाय पाल रहे हैं वो अच्छी एक गाय मतलब सिलेक्ट करें, 2 रुपए पैसा थोड़ा सा महंगा लगा दे तो उसमें क्या है कि उसके जो काफ आते हैं बच्चे आते हैं तो आगे एक ब्रीडिंग प्रकार हो सके जी जी। मान लो 20-25 हजार के लोग मेरे को फोन करते हैं जी जी कि भाई साहब हमें 20 हजार वाली गाय दे दो, 25 वाली गाय दिला दो जी, भाड़ा तो आपको उतना ही लगना है जी जी जी, चाहे आप लाख वाली लो चाहे लो 20 वाली जी जी, 20 वाली लोगे भाई साहब वो दूध देगी किलो, 1 किलो 2 किलो उसमें व्यापारी माड़ा हो जाता जी, उसमें नुकसान किसको बोलते जी, हमें उसने लूट लिया जी जी। तो तुम पहले देख तो लो, अभी तुम 20 हजार लगा रहे हो, भाड़ा तुम्हें उतना ही पड़ रहा है जी, तो 20 वाली जो 20 में दे रहा वो पीछे से कितनी की लेके आया होगा, समझदार को इशारा ही काफी होता है जी, किसी का नाम लेने की क्या जरूरत जी जी। आगे जो किसान भी जिसने बेची है अगर उसके नीचे 15 लीटर दूध होता तो वो 20 हजार में, यानी कि वो व्यापारी को 15 हजार में क्यों बेचता अगर व्यापारी 20 में बेचता रहे। ठीक है, कोई भी काम करो हर एक अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है जी जी, ये नहीं कि मैं बोल दूं मैं दूध का धुलाऊं जी मैं तो 1000 के पीछे कमा रहा हूं 2000 के नहीं जी, जिसको जिस रेट में मिल रही है वो उसी रेट में ही देगा जी जी। लेकिन हर किसी का बाहर सेटिंग होती है जी, कोई व्यापारी दलाल अच्छे काम कम बजट में दिला देता है तो हम उसी बजट में जी जी आगे करवा देते हैं। इससे आगे भाई साहब तीसरे नंबर पर गाय, तीसरे नंबर की थारपारकर बछड़ी है जी, थारपारकर, हाँ जी, थारपारकर ब्रीड में, हाँ जी। तो ये तो देखने में ऐसे लग रही है जी बिल्कुल ताजा ब्याई है भाई साहब, मान के चलो यही को इसको 4 से 5 घंटे हुए मात्र 4 से 5 घंटे अभी ताजी ब्याई है, यानी कि ताजी ब्याई है, बछड़ी लेके आई है, बछड़ी है। इसके पीछे फीमेल का बछड़ी है, दूध निकाला है संदीप भाई सुबह इसका 3-3.5 किलो। अच्छा जी, ठीक है जी, और हमने इसको 12-1 बजे फिर इसकी बछड़ी को दूध पिलाया। अच्छा जी, ताजी ब्याई है जी, तो बछड़ी को अगर मान लो 2-3 टाइम दूध पिलाते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी जी, 3 टाइम दूध पिलाएंगे तो थोड़ा तंदुरुस्त है, सर्दी का टाइम है जी, इसलिए जी। अभी इसको इसका दोपहर सुबह दूध निकला था जिस टाइम ब्याई है ये जी, और उसके बाद अब बच्चे को पिला के अंदर बांधा हुआ है जी जी। हाँ, तो दोस्तों ये उन किसान भाइयों के लिए काफी अच्छी गाय रहेगी जो ब्रीडिंग पर कार्य करते हैं, ऐसी गायों पर एक नस्ल संवर्धन का कार्य हो तो अच्छा सीमन यूज कर अच्छे बच्चे, बहुत अच्छी है जी जी जी, अच्छे बच्चे लिए जा सकते हैं, क्योंकि थारपारकर ब्रीड के अंदर ब्रीड करेक्टर भारी गलकंबल नाभी जोर्डर क्वालिटी मुट्ठी वाले गुलाबी आंचल और फर्स्ट टाइमर है जी। और एक संदीप भाई आपको बताऊं, जिस किसान ने इसका सीमन रखाया था ना जी, उसने तो रखाया था बछड़ी का सेक्स सीमन। अच्छा जी, और उसके साथ हो गया धोखा। अच्छा जी, धोखा कैसे हुआ कि डॉक्टर ने पैसे तो ले लिए थारपारकर के उससे। अच्छा जी, कि मैंने थारपारकर का सीमन रखा है। अच्छा जी, लेकिन उसने रख दिया साहीवाल का, साहीवाल का बछड़ी दे दी, लाल लाल रंग की है, साहीवाल नस्ल के अंदर है। तो मैंने जब उससे खरीदी थी उसने मेरे को यही बोला था कि मैंने थारपारकर का सीमन रखा है। अच्छा जी, तो जब ये ब्याही मैंने उससे बात की कि आपने बोला थारपारकर का जी, लेकिन ये बछड़ी साहीवाल की कैसे लेके आई है जी जी,
तो वो बोला कि मेरे पास तो धोखा, उसने मेरे को फिर जो उसने सीमेंट रखवाया था ना जी जी उसका मैंने उसका उसने मेरे को फोटो भेजा जी, तो वो फोटो देखा तो भाई साहब वो तो साहिवाल का है जी जी, किसान को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो डॉक्टर भी बोले वाले किसानों को लूट लेते हैं जी। लूट रहे हैं। यानी कि जैसे मतलब लगे उस वैसे तेल लगा दिया, चूना लगा दिया जी जी। मान लो उसकी जगह पे मैं होता तो मेरे को तो नॉलेज इसके बारे में जी 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 कि साहिवाल का सीमन कौन सा है और थारपर का सीमन कौन सा है जी जी, क्योंकि उसको बेचारे को झूठ बोल दिया। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि कई किसान होते हैं उनको पता नहीं होता जी ना जी जी। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, सोने पे सुहागा ही है, बछड़ी दी है जी जी। आगे वो भी नस्ल संवर्धन के काम आएगी, क्योंकि इसकी क्वालिटी इसकी माँ का रिकॉर्ड बहुत है, 22 लीटर का रिकॉर्ड है इसकी माँ का। अच्छा जी। हाँ जी जी। तो ये फर्स्ट टाइमर में बछड़ी 13-14 किलो दूध दे देगी, 13-14 लीटर आराम से, 12 प्लस दे देगी, कहने का मतलब ये आराम से खरा 12 प्लस। संदीप भाई जिस साल इसका आप ऑर्डर दे सकते हो, थन दे सकते हो पहले ब्यांत में बहुत शानदार। नहीं तो पहले ब्यांत में इतने लंबे थन तो निकालती नहीं है। अच्छा जी। अच्छी क्वालिटी की तभी निकाल रही हो, दो ही दांत है मुंह से, दो दांत है। हाँ जी, दो ही दांत की, दो ही दांत छोटी उम्र की है, छोटी उम्र की है जी। और अगले ब्यांत में ये अगर 10 ब्यांत भी ब्यागी ना संदीप भाई जी, तो इसको कोई कह नहीं सकेगा कि ये 10 ब्यांत ब्या गई, इसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, ऐसा रहेगा जी। और जी। एक और दूसरी बात है, जो भाई छोटा परिवार है जी, कम जगह है उसके लिए तो बहुत ही परफेक्ट रहेगी। अच्छा जी। क्योंकि छोटी जगह में एक टोकरे में धाप जाएगी जी जी जी, और पूरे घर को दूध पिलाएगी। अच्छा जी। तो बच्चे दोस्तों इन गायों के अंदर है, इसलिए थोड़ा बच्चों के लिए ताजी ब्याई गायें हुई, मतलब बच्चों के लिए कर रही है। संदीप भाई सर्दी का टाइम है जी जी, गो माता को तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर खड़ी है जी जी, लेकिन पहले ये भी अंदर थी, अभी बाहर लेके आए हैं। बाकी जो भी भाई साहब के नीचे स्क्रीन पर नंबर है, आप इनसे वीडियो भी मंगवा सकते हैं बच्चे के साथ में जी, बच्चे के साथ मंगवा सकते हैं, यहाँ पे आके जी अपनी तसल्ली करके जी जी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी भाई, मैं तो ये बोलता हूँ ऑनलाइन लेने के बजाय ऑफलाइन लो जी जी, यहाँ पे आओ हमारे से मिलोगे, एक तो हम फोन पे बोल रहे हैं जी जी, एक हमारे से फेस टू फेस मिलोगे तो आपको हमारे बोलने का, बात करने का, यहाँ पे रहने सहने का आपको पता लग जाएगा कैसे आदमी है जी जी। ठीक है जी जी जी। तो यहाँ पे मैं सबको ये बोलता हूँ विजिट करके गाय खरीदो, बाकी व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के माध्यम से देख सकते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जी जी। प्राइस भाई साहब इसका, प्राइस इसका भी वही है जी, लेने देने वाला कितना जी, 45,000 रुपए। हाँ जी। तीन गायें दिखाई है, 45-45 सभी का। हाँ जी 45-45। अच्छा जी। से आगे दोस्तों चौथे नंबर पर एक ब्लैक कलर के अंदर गायें देख सकते हैं, हाइट लेंथ बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही शानदार है, स्वभाव भी गाय का बिल्कुल शांत है। तो जीतू भाई साहब सबसे पहले इसकी नस्ल बताएं जी। नस्ल संदीप भाई साहिवाल है, साहिवाल में है, ब्लैक कलर में है, बिल्कुल ब्लैक कलर में है जी। साहिवाल में ही कई कई ब्रीड की गायें होती है, कई कई मतलब कई भाई इसमें जो जानकार होते हैं वो तो समझ जाते हैं, और कई भाई कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जो काम कर रहे हैं ना जी जी, और जो गोपालन के अंदर है जी, एक साल से चाहे 6 महीने से है, उसको नॉलेज आ जाता है जी जी। और जिसने किसी कभी बकरी नहीं रखी है ना जी जी, तो उसको तो कुछ पता नहीं लगेगा जी, चाहे वो साहिवाल को वो राठी बोल देगा जी जी। जी आप साहिवाल बोल रहे तो राठी है जी जी जी, रोस है जी उसके साथ। तो देखो जी वो बोलते ना काला अक्षर भैंस बराबर जी जी, वो सिस्टम होता है। तो अब जैसे अपने दिखाई है दो लाल रंग में, एक पहले वीडियो में कवर करी उसकी नस्ल साहिवाल है, दूसरे में कवर करी लाल रंग की उसकी राठी है। अब अनजान बंदा क्या उसमें करेगा जी, बोलेगा रंग उसका ही वैसा है, बॉडी स्ट्रक्चर उसका ही ऐसा है, बोलने को तो मैं उसको साहिवाल बोल दूं जी, लाल रंग में वो जी जी, लेकिन वो साहिवाल नहीं होएगी जी जी। क्योंकि जो एक तो अनजान आदमी पहली बार गाय खरीद रहा है जी, वो अपनी बात मान लेगा जी, लेकिन आपके यूट्यूब पे जो आपके यूरस है जी जी, उसके अंदर ब्रीडर भी है जी जी, उनको सब नॉलेज है। हाँ जी हाँ जी। ये साहिवाल है कि राठी है, तो वो कमेंट में बता देंगे जी जी, भाई साहब आप झूठ बोल रहे हैं, तो राठी है, तो अपने तो राठी को राठी बोलेंगे जी, साहिवाल नहीं बोलेंगे जी जी। जो ये साहिवाल है तो इसका साहिवाल ही बोला है। अच्छा जी। जो थारपरकर उसका थारपरकर बोला है जी। तो कौन से ब्यांत में है जी ये संदीप भाई, दूसरी बार ब्याएगी जी। हाँ जी। दूसरे ब्यांत में ब्याएगी, अभी ड्राई की हुई है जी, 2 महीने बाकी है, 2 महीने बाकी है, दूध से ड्राई है, दूध से ड्राई कर दी, क्योंकि संदीप भाई पहले ब्यांत में इस बछड़ी ने दूध दिया जी 14 से प्लस। हाँ जी जी। तो अब की बार दे देगी 16 प्लस दूध आराम से निकाल देगी, आराम से खुला निकालेगी संदीप भाई। हाइट लेंथ आप दे सकते हो बगैर सिंगों में, झोली दे सकते हो, थनों में गैप दे सकते हो। अभी क्या हम इसके पहले तो हम एक टाइम पे कर रखी थी इसको जी, क्योंकि 2 महीने का गैप देंगे फिर दूध पे आए, अगले ब्यांत में दूध बढ़ाएगी। ये प्रॉपर 16 लीटर वाली गाय है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है जी जी। बोलने को तो 20 बोल दो झूठ बोलने वाली बात जी जी।
अगला लेके भी जाएगा, सेवा भी करेगा जी जी, वो उसकी केयर पे डिपेंड है कि वो 16 निकालेगा का 18 निकालेगा इसका। जी जी, सेवा नहीं करेगा तो भाई साहब 14 भी नहीं देगा। मेन बात है जी विश्वास की। हाँ जी। अगर विश्वास से किसी भाई को अपने बताएंगे तो वो बंदा एक गाय नहीं वो पता नहीं कितनी और लेता है, खरीदेगा जी जी जी, आगे से आगे इंसान को कॉन्टेक्ट नंबर आपका देता है कि भाई साहब से मंगाना, मेरे को अच्छी गायें भेजी उस हिसाब से। जिन्होंने ऑनलाइन 3 गाय ली जी, उन्होंने उनके कोई दोस्त इधर आए हुए थे, उन्होंने उनको कॉल किया, वो बोले कि हम इधर गंगानगर हैं, तो वो बोले आप जीतू भाई के पास जाओ जी, हमने ऑनलाइन गाय ली, हमारी भी गाय देख लेना और वहां से आपको पसंद आ जाएगी गाय जी जी। अगर मान लो मैंने धोखा किया होता जी, तो वो मेरे पास थोड़ी भेजते जी जी। तो यही सिस्टम है कि अगर अच्छी चीज दोगे कम रेट में दोगे तो कस्टमर आपके पास आएंगे जी जी। अगर आप मान लो इनको पहली बार में काट लोगे ना जी, तो भाई साहब एक बार तो आ जाएगा जी, लेकिन दूसरी बार कभी नहीं आएगा जी। प्राइस भाई साहब इसका, प्राइस इसका जी 50,000 रूपए, 50,000 रूपए बिल्कुल, 50,000 50,000 रूपए है। अगर हाँ कोई भाई इधर आता है तो 2,000 कम में दूंगा, 48,000 रूपए में आके देख के इसको लेके जाए, पास में आएगा वीडियो में तो शायद में उसको छोटी लगती होगी, तो मतलब तीन आपने 45-45 की दिखाई है जी। हाँ जी, ये चौथी 45 में हो जाए तो देखो जी, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं यही बोल रहा हूँ 2,000 पहले आपको बोलने के बिना ही कम कर दिया जी जी, कि एक तो लास्ट तक जो वीडियो देखेगा जी उसको पता लगेगा कि क्या ऑफर है जी, और दूसरी बात ये है कि इधर आएगा तो 2,000 के अपने 3,000 भी कर देंगे। अच्छा जी, वो मौके की बात है, मौके की बात। हाँ जी, धन्यवाद भाई साहब। हाँ जी, धन्यवाद। आशा करते हैं आपके द्वारा दी गई जानकारी और गायें जो भाई अपने दोस्त मित्र वीडियो देख रहे हैं उन सभी को पसंद आई होगी। हाँ जी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लास्ट तक वीडियो जरूर देखें जी जी। हाँ, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी भाइयों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।